ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि सहारा पृथ्वी का सबसे विशाल रेगिस्तान है जो अफ्रीकी महाद्वीप पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका है। इसे दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां इंसानों का दायरा खत्म होता है। यहां रहना इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन हाल में यहां कुछ ऐसा मिला जो अपने में कई राज छिपाए हुए है। तो चलिए जानते हैं अंटार्कटिका की बर्फ में दफन रहस्य। अंटार्कटिका धरती के 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जो चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ये विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। ये साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे ज्यादा तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से ये घिरा रहता है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ कोई स्थायी तौर पर नहीं रहता। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, पिस्सू, अलग अलग तरह के शैवाल और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती हैं। 1774 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक अंटार्कटिका सर्कल के दक्षिण में किसी भूभाग की खोज में निकला। इस दौरान उसे बर्फ की एक विशाल दीवार मिली। उसने अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे जमीन होगी, जो कि सही निकला। वो अंटार्कटिका वाले इलाके में ही मौजूद था। यहाँ का मौसम इतना ठंडा होता है कि किसी इंसान का स्थायी तौर पर रहना लगभग नामुमकिन है। हालांकि यहाँ अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशन है जहाँ लोग खोज के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन स्थायी तौर पर कोई नहीं रहता। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ड्राई प्लेस है। यही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज के नाम से जानते हैं। अगर किसी को अंटार्कटिका के रिसर्च सेंटर में जाना है और अगर कोई अपेंडिक्स से पीड़ित है तो उसे इसका इलाज भी पहले ही कराना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वर्क स्टेशन पर किसी भी तरह की सर्जरी की कोई सुविधा नहीं है। अगर ठंड की वजह से किसी की हालत बिगड़ जाए तो उसका इलाज करना मुश्किल है। यही वजह है कि कोई यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। कहते हैं कि करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका काफी गर्म स्थान था। यही नहीं, इसके किनारे खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। तब यहाँ का तापमान 20 सेल्सियस से ज्यादा ही हुआ करता था। सबसे पहले इस महाद्वीप पर मेटालिका बैंड ने एक कॉन्सर्ट किया था। इस बैंड ने एक साल के अंदर ही 7 महाद्वीपों पर कॉन्सर्ट कर रिकॉर्ड बनाया। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम मैकमर्डो स्टेशन है। ये पावर स्टेशन 1962 से यहाँ पर है। हालांकि यहाँ किसी तरह की आग लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है। अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं, जो कि टाइम जोन को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती हैं, इसके दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर नहीं है। अगर किसी को पोलर बियर देखना है तो उसके लिए आर्कटिक जाना होगा। काफी ठंडा इलाका होने के बावजूद यहाँ 1150 अलग अलग प्रजातियों की फंगाई पाई जाती है। वैसे तो यहाँ कम ही लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बार की भी व्यवस्था है जो दुनिया के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। ये बार वर्नाडस्काई रिसर्च स्टेशन में है। अंटार्कटिका का 99% हिस्सा बर्फ से ढका है। जो ग्लेशियर यहाँ बर्फ से ढके रहते हैं उन्हें आइस शीट कहा जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ की औसतन मोटाई करीब 1.6 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पूरी धरती पर मौजूद पानी का करीब 70% हिस्सा मौजूद है। जानकर हैरानी होगी कि कई साल तक किसी को अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर 1820 में इस महाद्वीप को सबसे पहले देखा गया। इससे पहले लोगों को यही लगता था कि ये सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। नॉर्वे के रोअल्ड अमंडसन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुँचे। उन्होंने 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को बताया कि एक महाद्वीप और है जहां वो पहुंचे, और उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा लगा दिया। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। 1959 में 12 देशों ने एक वार्ता की
और इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों यानी पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज के लिए चुना। सभी ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में इस संधि पर 48 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस महाद्वीप के नीचे तकरीबन 300 से ज्यादा ठंडे पानी की झीलें हैं, जो क्रोड के गर्म तापमान से धरती का ऊपरी तापमान बैलेंस रखती हैं। अंटार्कटिका में माउंट एरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। कहते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में हल्का सा बदलाव आता है। ये अकेली ऐसी जगह है जहां किसी भी प्रजाति के सांप नहीं पाए जाते। धरती का सबसे कम तापमान यही मापा गया है। यहां न्यूनतम तापमान -88.3 सेल्सियस मापा गया। अंटार्कटिका के बारे में कहा जाता है कि यहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। कभी कभी तो यहां 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती हैं, जो बर्फ की मोटी परत को काट कर उड़ा ले जाती हैं। अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां चारों ओर बर्फ की मोटी परत बिछी है। यहां इंसानों का रहना मुश्किल है। हालांकि यहां लोग जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों में अपने घर लौट आते हैं। यहां कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन जब यहां बर्फ में इंसानों के कुछ अवशेष मिले तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। अंटार्कटिका में लिविंगस्टन नाम का एक द्वीप है, जहां 1980 में रिसर्चर्स को एक महिला की खोपड़ी और पैर की एक हड्डी मिली, जो करीब 175 साल पुरानी निकली। दावा किया गया कि वो महिला चिली की निवासी थी, जिसकी मौत 21 साल की उम्र में 1819 से 1825 के आसपास हुई थी। बताया जाता है कि ये अंटार्कटिका पर पाया गया अब तक का सबसे पुराना इंसानी अवशेष है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर महिला के अवशेष मिले वो साउथ चिली से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो महिला यहाँ कैसे पहुँची, क्योंकि डोगियों के जरिए इतना लंबा सफर करना लगभग नामुमकिन है। अंटार्कटिका को देखने पर यही लगता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर ही है। यहाँ बर्फ के नीचे कुछ और होने की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स खोज निकाले। इसमें से एक है वॉस्टॉक लेक। ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक है, जिसकी खोज 1990 में रशियन साइंटिस्ट्स ने की। ये बर्फ से करीब 3.5 किलोमीटर नीचे मौजूद है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि बर्फ की इतनी मोटी लेयर के नीचे भला पानी की झील कैसे हो सकती है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में रहता है। वहीं धरती के कोर की वजह से होने वाली गर्मी से झीलों का तापमान नॉर्मल रहता है। ये झीलें वाकई में लाजवाब हैं। यहाँ वैज्ञानिकों को बर्फ की चादर के नीचे लगभग 1 किलोमीटर पर कुछ सूक्ष्म जीव भी मिले। इतने ठंडे इलाके में इन जीवों का जिंदा रहना ताज्जुब की बात है। इन झीलों में इतने स्पेशल इकोसिस्टम मिले हैं जो धरती पर किसी दूसरी जगह नहीं मिलते। यहाँ अनोखे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जैसे कई जीव मिलते हैं। ये जानवर किसी दूसरी जगह नहीं पाए जाते। मजेदार बात है कि इन जीवों को ना तो ताजी हवा नसीब होती है और ना ही सूरज की रोशनी। बावजूद इसके ये इनक्रेडिबल स्पीशीज यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका विकास मीथेन और अमोनिया की वजह से होता है। कहा जा रहा है कि ये निराला इकोसिस्टम एक अद्भुत खोज है। इनकी मदद से हम धरती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। हिटलर के बारे में तो सभी जानते हैं, जो एक क्रूर तानाशाह शासक था। हिटलर की इच्छा थी कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो। इसका एक नमूना अंटार्कटिका पर मिलता है। दरअसल अंटार्कटिका पर नाजी बेस मौजूद है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है। जहां इंसानों का रहना मुश्किल है, वहां हिटलर की सेना जा पहुंची। दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में हिटलर ने एक सीक्रेट मिशन पर कुछ सैनिकों को रवाना कर दिया। इस सीक्रेट अभियान का नाम था श्क्वाबेनलैंड। हालांकि ये अभियान कुछ ही महीने चला। 5 फरवरी 1939 को नाजी सेना यहां से वापस लौट आई। अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि अगर दुनिया की सारी बर्फ को मिला दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। शायद यही वजह है कि यहां एक हिडन माउंटेन रेंज भी मिला है। 1950 में बर्फ की एक विशाल शीट के नीचे खोजकर्ताओं ने गैम्बर्टसेव माउंटेन रेंज की खोज की। इसकी ऊंचाई की बात करें तो करीब 27 मीटर है, जबकि लंबाई 1200 किलोमीटर है। हालांकि देखने में ये नॉर्मल माउंटेन रेंज की तरह ही दिखती है,
लेकिन एक हैरानी की बात है कि ये बर्फीली पहाड़ी करीब 1 बिलियन साल पुरानी है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि ये पहाड़ियाँ इतने लंबे समय तक कैसे टिकी रह सकती हैं। समय के साथ साथ पहाड़ी छोटी होने लगती है, लेकिन इतने साल तक ये पहाड़ी कैसे जिंदा रही। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अंटार्कटिका की आइस शीट से कुछ गुनगुनाने की आवाज आती है। 1950 में कुछ ऐसे आइस शीट्स की खोज की गई, इन्हें रॉस आइस शेल्फ के नाम से भी जानते हैं। जब हवा इन आइस शीट्स से टकराती है तो किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि इस आवाज को इंसान नहीं महसूस कर पाते, लेकिन कुछ मशीनों की वजह से इस आवाज को आराम से सुना जा सकता है। बताते हैं कि ये आवाज आसपास के तापमान और हवा की वजह से बदलती रहती है। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका से जुड़ी पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।